हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी। आज 9 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 2 प्रस्तावों के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने आपको अवगत कराया है। शेष प्रस्तावों के बारे में मैं आपको अवगत कराता हूं। पहला प्रस्ताव था वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 94 के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा जारी सभी स्वीकृतियों का विवरण, एक डिटेल ये प्रेस रोट है, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव है बजट मैनुअल के प्रस्तर 94 के अंतर्गत जारी वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में टिप्पणी। इसमें मोटा मोटी जो चीजें हैं, इसमें बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार की केंद्रीय सहायता से वर्ष 1999 से संचालित है। इस योजना में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 7 जनपदों खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज एवं बलरामपुर के 21 विकास खंडों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे 0 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में ग्रामीण सड़क, पुलिया निर्माण, सीसी रोड, नाली निर्माण, ग्रामीण पेयजल, सामुदायिक भवन का निर्माण, शौचालय निर्माण, प्राथमिक शिक्षा हेतु भवन निर्माण, शौचालय निर्माण एवं पेयजल, विद्युत सुविधा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्रों के भवन निर्माण, विस्तार आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, सोलर लाइट, सोलर पंप, सोलर पावर फेंसिंग की स्थापना, वन रक्षक चौकी, वन दरोगा आवास निर्माण, बाढ़ के शरणालय निर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण, पशुपालन विभाग की परियोजनाएं, अनुसूचित जाति आश्रम पद्धति विद्यालय की चार दीवारी, बाढ़ सुरक्षा निर्माण, विस्तार डेयरी विकास की परियोजनाएं, होम्योपैथी चिकित्सालय केंद्रों के भवन निर्माण, विस्तार एवं कार्य क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम में संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 17-18 में भारत सरकार द्वारा केंद्रांश के रूप में 38 करोड़ की धनराशि आवंटित एवं अवमुक्त की गई। 17-18 में कुल गत वर्षों के राज्यांश को सम्मिलित करते हुए 88.66 करोड़ धनराशि को उपलब्ध बजट व्यवस्था के सापेक्ष 77.20 लाख की वित्तीय स्वीकृति विकास कार्यों हेतु जारी की गई। इसमें 2-3 चीजें हैं जो बुंदेलखंड पैकेज पर थोड़ा सा मैं आपको 1-2 बिंदु उल्लेखित करता हूं। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों यथा झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा तथा बांदा जनपदों के लिए 3 वर्ष की अवधि का सूखा राहत पैकेज दिया गया था। बाद में वर्ष 12-13 के अंत में इसकी अवधि 2016-17 तक के लिए बढ़ाई गई थी। पैकेज के अंतर्गत मुख्यतः जल संरक्षण, सिंचाई तथा कृषकों के जीवन यापन के स्तर को उठाना तथा पेयजल हेतु योजनाएं संचालित हैं। वर्ष 17-18 में राज्य द्वारा भारत सरकार से पैकेज की अवधि 2021-22 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया तथा पैकेज के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु ₹47,14.64 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
जिसके सापेक्ष भारत सरकार से मार्च 2018 के अंत में रुपये 917.20 करोड़ की लागत की परियोजनाएं अनुमोदित करते हुए धनराशि अमुक्त की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में बांदा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कैन नदी से सिंचाई सुविधा परियोजना हेतु रुपये 18.75 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई। तीसरा बिंदु इसमें त्वरित आर्थिक विकास योजना, विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना वित्तीय वर्ष 12-13 से संचालित है। योजना के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत प्रकृति की अवस्थापना सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, मार्ग सेतु निर्माण, जल निकासी, चैम्बर्स निर्माण आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास परिकल्पित है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में की गई घोषणा के अनुपालन में माननीय सदस्य विधानसभा, माननीय सदस्य विधान परिषद हेतु 100 हैंडपंप कुल 50,300 हैंडपंपों हेतु धनराशि रुपये 226.35 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके साथ ही बुंदेलखंड में संभावित सूखे के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन 14 पाइप पेयजल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु 83.18 करोड़ धनराशि तथा बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु धनराशि 33.40 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गई है। जनपद मिर्जापुर एवं सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन 21 पाइप पेयजल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराए जाने हेतु धनराशि 22.01 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गई है। अगला जो मद है